भारत सरकार ने दी बुजुर्गों को सौगात। अब 60 साल के हर बुजुर्ग को मिलेगा हर महीने रुपए। सरकार की इस योजना से बुजुर्गों में खुशहाली दूर होगी, बुजुर्गों की बदहाली, बेटे और बेटियों पर कम होगी निर्भरता। सरकार के द्वारा भेजी गई ये रकम बुजुर्गों में पैदा करेगी आत्मनिर्भरता। आज की दुनिया में बुजुर्गों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि उनका बुढ़ापे में सहारा कौन होगा। आज इसी प्रश्न से तमाम लोग उलझे हुए हैं कि अगर मेरे बुढ़ापे के कारण हाथ पैर चलना बंद हो गए तो फिर उनका हाथ कौन थामेगा। लेकिन अब भारत सरकार ने बुजुर्गों की समस्या का हल निकाल लिया है। अब क्या है, कैसे है, ये हम आपको एक एक करके समझाएंगे, तो ध्यान से सुनिए और समझिए। दरअसल भारत सरकार अटल पेंशन योजना के द्वारा बुजुर्गों को बुढ़ापे में आर्थिक सहायता देने जा रही है। इस योजना के अनुसार 60 साल का होने पर महीने में 1,000 से लेकर 5,000 पेंशन बुजुर्गों को दी जाएगी। हालांकि इसमें रुपए भी जमा करना होगा तभी इसका लाभ ले सकते हैं। यह आपकी उम्र के हिसाब से तय होता है। आपका योगदान कितना देना होगा और इसी बात पर निर्भर करेगा कि आप रिटायरमेंट के बाद कितनी पेंशन के हकदार हैं। 1 से 5,000 रूपए प्रतिमाह पेंशन लेने के लिए आवेदक को 42 से 210 रूपए प्रतिमाह भुगतान करना होगा। हालांकि ये 18 साल की उम्र में स्कीम लेने पर होगा। वहीं यदि कोई आवेदक 40 साल की उम्र में स्कीम लेता है तो उसे 291 से लेकर 1,454 रूपए प्रतिमाह जमा करना होगा। सब्सक्राइबर जितना ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन करेगा उसे रिटायरमेंट के बाद उतना ही ज्यादा पेंशन सरकार द्वारा दी जाएगी। वैसे में आप ये गणित भी समझ लीजिए कि कितने रुपए जमा करने पर कितने रुपए मिलेंगे। मान लीजिए 42 रुपए जमा कराते हैं तो उसे 60 साल के बाद हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो वहीं अगर 84 रुपए जमा करते हैं तो 2,000 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं 210 रुपए जमा करने पर 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। विदित रहे कि ये स्कीम उनके लिए है जो 18 वर्ष से अपना रुपए जमा करेंगे। वहीं अगर उम्र 40 की है तो उसके लिए 291 रुपए जमा करने पर 60 साल के बाद हर महीने 1,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो वहीं 1,454 रुपए जमा करने पर 5,000 रुपए पेंशन मिलेगी। विदित है कि इस योजना के तहत इन्वेस्टर्स मंथली, क्वार्टरली या सेमी एनुअल यानी 6 माह की अवधि में निवेश कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑटो डेबिट हो जाएगा, यानी आपके अकाउंट से तय राशि अपने आप कट जाएगी और आपके पेंशन खाते में जमा हो जाएगी। अब ऐसे में कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर जिस व्यक्ति के नाम पर खाता खुला है अगर उसकी मौत हो जाए तो फिर क्या होगा। तो इसका भी समाधान सरकार ने निकाल लिया है। आवेदक की मृत्यु के बाद उसके जीवन साथी को ये पेंशन दी जाएगी। हालांकि ज्ञात रहे कि ये अटल पेंशन योजना टैक्स पेयर्स के लिए नहीं, यानी अगर आप इनकम टैक्स चुकाते हैं तो इस योजना में अकाउंट नहीं खोल सकेंगे। ये नियम सरकार ने 1 अक्टूबर 2022 से लागू कर दिया था। अब ऐसे में आप ये भी समझ लीजिए कि आप इस योजना के तहत खाता कैसे खोल सकते हैं। दरअसल आप किसी भी बैंक में जाकर अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। अटल पेंशन योजना के फॉर्म को भरकर मांगे गए डॉक्यूमेंट्स के साथ आपको बैंक ब्रांच में जमा करना होगा। एप्लीकेशन अप्रूव होने के बाद आपके पास कंफर्मेशन का मैसेज आएगा। इसके बाद आपकी उम्र के आधार पर आपका जमा करने वाला रुपया तय हो जाएगा और इस राशि को जमा करने के लिए आपको बैंक के चक्कर नहीं लगाने हैं। आप ऑनलाइन इसे जमा कर सकते हैं। वैसे भारत सरकार के द्वारा इस योजना को लेकर आपकी अपनी क्या प्रतिक्रिया है, ये योजना कितनी कारगर साबित होगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट, PDN न्यूज़।